नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम दो इश्यूज़ पे बात करने वाले हैं। पहली की स्पेशली एसएसटी में एक तो दो सेक्शन है, डीएसएसबी एसएसटी, ठीक है, सोशल साइंस। इसमें दो सेक्शंस है, एक तो हो गया कॉमन पेपर और एक हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो भी सेक्शंस हैं आप समझते हैं। तो कॉमन पेपर के लिए जो सेक्शंस हैं उसमें क्या क्या आता है, एक तो आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गई और लैंग्वेज हो गई, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक है। चलिए, तो जनरल अवेयरनेस का कोई आपको विशेष फोकस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एसएसटी से हैं तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में अरिहंत पब्लिकेशन की एक किताब आती है, पतली सी, 125 रुपीज़ के अराउंड की, वहीं लेना है, ज़्यादा मोटी किताब नहीं लेनी है। मैथमेटिक्स में कोई सा भी फंडामेंटल किताब या 10वीं तक की मैथ जहाँ से भी आपको मिले, या कोई भी फंडामेंटल किताब उठाकर मैथ पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश के लिए कोई सा भी बेसिक ग्रामर की किताब पढ़नी है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि कंप्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस करना है, कंप्रिहेंशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आते हैं हम सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में आपको सोशल साइंस में 12th तक की एनसीईआरटी, आपकी जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसमें सभी की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन चारों का, जो यहाँ पे मैंने चार मेंशन किए थे, इन चारों का कंप्लीट करना है, ठीक है, 12th तक एनसीईआरटी। इसके अलावा क्या करना है, केवल एक किताब और पढ़नी है, लूसेंट की। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की किताब है उसको आपको करना है, क्योंकि फैक्चुअल होती है डीएसएसबी की पेपर, तो आप उसे कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें एक चीज़ पे और ध्यान रखनी है, वो है क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस। क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस, ठीक है। तो जैसे कोई सा भी क्वेश्चन बैंक आपको अगर मार्केट से मिल रहा है, एसएससी का मिल रहा है, स्टेट पीसीएस का मिल रहा है, पीसीएस एग्जाम्स का, इसको कर लेना है, ठीक है। जैसे घटना चक्र वगैरह की आती है, वो सब आप पढ़ते ही होंगे अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो इन सब का क्वेश्चन बैंक जितना आप सोशल साइंस से रिलेटेड जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे, या प्रतियोगिता दर्पण में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उनको भी अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और जो हमारा ग्रुप है सीटेट मेंटर, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड एक पोस्ट डाली गई है, आप उसे भी देख लें, उसमें भी बहुत सी चीज़ें आपके काम की मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा है कि आपको क्वेश्चन पेपर जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया है, नीचे कमेंट में मैंने लिंक दे दी है ग्रुप की, वहाँ से जाकर आप एसएसटी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। जैसे अभी हम ग्रुप में चलते हैं, तो ग्रुप में आने के बाद आपको कैसे मिलेगा वो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ग्रुप में जैसे मैंने क्रोम से खोला है, तो क्रोम से खोलने के बाद आपको यहाँ पे आना है, सीटेट मेंटर ग्रुप सर्च मारना है, फेसबुक पे मिल जाएगा, फॉर केबीएस एनबीएस डीएसएसबी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है या मोर पे क्लिक करना है, जो भी आपके ब्राउज़र में दिखे उस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने अभी इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 68 फाइल्स दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ क्लिक किया, अब आगे देखिए, ये रहा आपका डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का पेपर, ठीक है। आपको यहाँ से इस पे क्लिक करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसकी आंसर की अभी मैंने प्रोवाइड नहीं की है, चूंकि मुझे भी नहीं मिला है तो मैंने इसे प्रोवाइड नहीं की है। जब मुझे मिल जाएगा तो मैं ज़रूर उसको वहीं पे कमेंट में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन पेपर देखिए और अपनी तैयारी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडली बढ़ाइए और तैयारी जारी रखिए जितनी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी हम इससे रिलेटेड अदर इश्यूज पे भी बात करेंगे। आप ग्रुप से जुड़े रहिए, ग्रुप में काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल सोशल साइंस और अदर सब्जेक्ट्स की, करेंट अफेयर्स की डाली जाती है, आप उनका पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चलिए, जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। नमस्कार।